हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर बिजनेस एजुकेशनल ग्रुप जिज्ञासा। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूलेज। सो स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं एक सिंगल वीडियो में आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल टिप्स बताऊंगा, सारी ट्रिक्स बताऊंगा, कौन कौन से फॉर्मूले आपको कब लगाने हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इसे लास्ट तक देखिएगा और सारे फॉर्मूले को अपने फिंगर टिप्स पर लर्न करिएगा मेरे साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले नंबर वन से। पहले कौन सा फॉर्मूला है? रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज एक कंडक्टर में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिलेशन होती है? Q इज इक्वल टू एन इन टू ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे Q होता है आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज, N होते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको याद करना होगा स्टूडेंट कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, राइट? तो पेपर में आपको गिवन भी हो सकता है और नहीं भी गिवन हो सकता, तो इससे बेटर हम लोग याद कर लें कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे गए होंगे या आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, तो आप लगाएंगे Q इज इक्वल टू एन इन टू ई। ठीक है, फॉर्मूला नंबर वन। फॉर्मूला नंबर टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, W होता है आपका वर्क डन और Q होता है आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, वर्क गिवन है, चार्ज गिवन है? ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन होगा किसमें, वोल्ट में, वर्क डन गिवन होगा आपको जूल में और क्वांटिटी ऑफ चार्ज गिवन होगा आपको कूलम में। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको V का फॉर्मूला लगाना है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, ये आपका सेकंड फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो ये आपके दो फॉर्मूले हुए। थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले देखिए। नाउ स्टूडेंट, फॉर्मूला नंबर थ्री, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, जहाँ पे I होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, Q होता है आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज, T होता है आपका टाइम। ठीक है, Q इज इक्वल टू N इंटू E, आपको पता है क्योंकि आप जानते हो क्वांटिटी ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिलेशन होती है Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q की जगह मैंने पुट करा एन ई अपॉन टी। तो एक करंट का फॉर्मूला ये भी लगाया जा सकता है आपका एन ई अपॉन टी। ठीक है, अब कैसे पहचानोगे कि वाला फॉर्मूला आपको लगाना है? अगर आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज या टाइम या करंट में से तीनों में से कोई भी दो चीज़ गिवन है, तो आपको करंट का फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पे करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर। क्या होती है स्टूडेंट करंट की यूनिट? एम्पियर। क्या होती है करंट की यूनिट? एम्पियर। चार्ज की यूनिट होती है आपकी कूलम और टाइम की यूनिट क्या होती है आपकी सेकंड। तो अगर आपको इनमें क्वांटिटीज गिवन है तो आपको पता लग जाएगा कि आपको करंट का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसके बाद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है आपका V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू I इंटू R, जहाँ पे V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है आपका करंट और R होता है आपका रेजिस्टेंस। V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है आपका करंट और R होता है आपका रेजिस्टेंस। तो इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ गिवन हो, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट या रेजिस्टेंस, तो आपको ओम्स लॉ लगाना है। कैसे पहचानेंगे ये फॉर्मूला लगाना है? आपको V पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में गिवन होगा, I करंट आपको एम्पियर में गिवन होगा और R रेजिस्टेंस आपको ओम में गिवन होगा, जिसका सिंबल ये होता है। तो अगर ये तीन चीज़ में से कोई भी दो चीज़ आपको गिवन है तो आपको समझ में आ जाएगा किसका फॉर्मूला लगाना है पेपर में, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है। बोलो क्लियर है? आगे चलें, अगले फॉर्मूले देखिए, इसे नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट, सी द फॉर्मूला नंबर फाइव ऑन द बोर्ड। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कब लगाएंगे ये फॉर्मूला? पहली बार फॉर्मूला सुनिए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे R है आपका रेजिस्टेंस, L है आपकी लेंथ, A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रो, इसे बोलते हैं स्टूडेंट रो। तो रो होती है आपकी रेजिस्टिविटी, इनकी यूनिट जान लें, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम,
लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और रजिस्टिविटी की यूनिट होती है आपकी ओम मीटर। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है और आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रजिस्टिविटी गिवन हो या रजिस्टिविटी निकालनी हो, तो आपको रिलेशन लगानी पड़ेगी, रिलेशन बिटवीन रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। और एरिया, एरिया हो सकता है गिवन हो और एरिया हो सकता है ना भी गिवन हो। अगर एरिया गिवन नहीं होगा तो आपको याद रखना होगा कि जो एक वायर होती है, जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है, वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। और सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर रेडियस गिवन है तो पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस गिवन नहीं है तो पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है? यानी डायमीटर गिवन हो तो ये आपको एरिया लगा के, ठीक है, फॉर्मूले लगा के एरिया निकालना होगा और फिर रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के फॉर्मूले में पुट करना होगा। बोलिए, समझ गए? उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, अगर आपको दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में गिवन है तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सीरीज में सारे रेजिस्टेंस को सीधा प्लस कर दीजिए, कितने भी लगे हुए, दो तीन चार, R इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और अगर सर्किट आपका पैरेलल में है तो वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन। बोले, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलें। चलिए, सभी बच्चे लाइन से फॉर्मूलेज लिख लें, जगह आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी ये वीडियो। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला लगाना होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, राइट? P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और आप लोग जानते हैं वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है? तो अभी आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ये फॉर्मूले लगाएंगे कब? स्टूडेंट, आपको या तो पावर गिवन होगी किस में, वाट में, ठीक है? अगर पावर कहीं भी आपको लिखा है 100 वाट, ठीक है, 220 100 वॉट, 200 वॉट, 1000 वॉट, तो आप समझ लेना पावर गिवन है। या तो पावर निकालनी होगी या पावर को क्या होगा, गिवन होगा आपको एनर्जी या टाइम, या आपको वर्क या टाइम निकालना होगा, ठीक है? तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, या पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं तो आप उन्हें इक्वल पुट कर सकते हैं। पावर के तीन फॉर्मूले ये होते हैं स्टैंडर्ड, जो आप लोगों को लर्न करने हैं, P इज इक्वल टू वी इन टू आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन फॉर्मूले और हैं आपको पावर की याद करने होंगे, ठीक है? ये वोल्ट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पियर करंट, एम्पियर ओम रेजिस्टेंस, वोल्ट और ये आपका ओम रेजिस्टेंस। तो इन सब में से कोई भी चीज़ गिवन होंगी तो आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूले लगा पाएंगे। सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है पावर का, वो आपका V इंटू आई इस्तेमाल होता है, फिर आपका आई स्क्वायर आर, और फिर आपका V स्क्वायर अपॉन आर। बात कुछ नहीं है, बात सब में आप V इंटू आई लगा सकते हो पावर का फॉर्मूला, बट अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन है तो पहले आपको ओम्स लॉ लगाना होगा। अदरवाइज अगर आपको सीधा याद है तो आप P का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर लगा सकते हो, अगर सीधा याद है तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगा सकते हो। मैंने आपको फिंगर टिप पर सारे फॉर्मूले याद करा दिए, ठीक है? पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, और पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गुड लक, अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। नौ स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने का। क्या निकालने का? इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने का, ठीक है? वो हम पावर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, आपने भी पढ़ा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा पावर इंटू टाइम, ये टाइम आपका मल्टीप्लाई में जाएगा तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा पावर इंटू टाइम, ठीक है? पर याद रखेंगे जो इस केस में एनर्जी निकलेगी वो आपकी किलोवाट आर में निकलेगी। किस में निकलेगी? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि किलोवाट आर में निकलेगी। अगर पावर आपकी वाट में गिवन है तो 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में ले आएंगे, अगर टाइम आपका मिनट में गिवन है तो 60 से
से डिवाइड करके उसे आर में ले आएंगे। मकसद क्या है कि जो एनर्जी की यूनिट होनी चाहिए वो किलोवाट आर होनी चाहिए, यानी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पावर आपकी किलोवाट में पुट होगी, टाइम आपका आर में पुट होगा, तो एनर्जी आपकी किलोवाट आर में आ जाएगी। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है एक महीने का, तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले उसे नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज आपको कोई भी मंथ गिवन हो, ठीक है, अप्रैल गिवन है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अगर आपको मई गिवन है तो 31 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो जिस मंथ का आपको पूछा होगा उतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आपको कॉस्ट गिवन होगी कि एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है, ठीक है, एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है, तो आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा उस महीने का, या नंबर ऑफ डेज का जितने आपके क्वेश्चन में पूछा गया होगा। बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी आएगी किलोवाट आवर में उसे नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे जितने दिन के लिए आपको निकालना होगा, और उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट की कॉस्ट से, तो आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्मूला इज हीट एनर्जी। अगर आपको पेपर में हीट एनर्जी निकालने के लिए आए, तो हीट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जहाँ पे H होता है आपका हीट, I होता है आपका करंट, R होता है आपका रेजिस्टेंस, T होता है टाइम। अब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपको हीट एनर्जी गिवन होगी या निकालनी होगी, करंट आपको एम्पियर में गिवन होगा, रेजिस्टेंस आपको ओम में गिवन होगा, टाइम आपको सेकंड में होगा, ध्यान रखेंगे टाइम का, ठीक। उसके बाद रेट ऑफ हीट निकालने के लिए भी आ सकती है आपके पेपर में, तो रेट ऑफ हीट का मतलब होता है हीट को आपको टाइम से डिवाइड करना है, यानी आई स्क्वायर आर टी को टाइम से डिवाइड करना है, तो टाइम से टाइम जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ आई स्क्वायर इंटू आर। क्या बचेगा स्टूडेंट, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये सारे फॉर्मूले थे जो आपको चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने हैं, आप सभी को एक वीडियो के थ्रू मिल गए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और एज इट इज पेपर के लिए लर्न कर लीजिएगा, अपने फिंगर टिप्स पे याद करेंगे, ठीक है, फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे सारे फॉर्मूलेस को इसी वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि सभी बच्चों तक इजी कॉन्सेप्ट पहुंच पाएँ, और सभी बच्चे फॉर्मूले एक ही वीडियो से, एक ही जगह से, जिसका नाम है सागर बंसल एजुकेशनल ग्रुप जिज्ञासा से पढ़ लें, और अपनी वीडियो को या अपनी स्टडी को क्या बना लें, इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा ईजी बना लें, ठीक है स्टूडेंट। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा, हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।